हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 या 15 दिसंबर, जाने सही समय और सूतक काल। साल 2020 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगा था और अब माघशीर्ष अमावस्या पर साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। यह साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। ज्योतिष अनुसार ये सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका, साउथ अफ्रीका और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। आज हम आपको साल 2020 का आखिरी सूर्य ग्रहण कब लगेगा, इसका समय क्या होगा और ग्रहण के दौरान किन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है, इन बातों के बारे में बताएंगे। सूर्य ग्रहण व सूतक काल का समय। साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर सोमवार के दिन लगेगा। ग्रहण का प्रारंभ काल शुरू होगा 14 दिसंबर सायंकाल 7:03 पर। ग्रहण का समाप्ति काल होगा 14 दिसंबर रात्रि 12:23 पर। ग्रहण की कुल अवधि लगभग 5 घंटे की होगी। ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। यह खगराज सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण सावधानियाँ। शास्त्रों में ग्रहण को लेकर कुछ सावधानियां बताई गई हैं, जिनका पालन सभी को करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान किसी भी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है, इसीलिए इस समय किसी भी मंदिर में प्रवेश ना करें और ना ही घर के मंदिर में पूजा पाठ करें। ग्रहण के समय पूजा स्थल को किसी पर्दे से ढक दें। ग्रहण के सूतक काल लगने के बाद घर में ना तो भोजन पकाना चाहिए और ना ही उसे ग्रहण करें। हालांकि शास्त्रों में बीमार, बूढ़े और बच्चों को इसकी कोई मनाही नहीं है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहना चाहिए, क्योंकि इस समय वातावरण में नकारात्मक शक्तियां प्रभावी रहती हैं, जो उन्हें प्रभावित कर सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान लेटना या फिर हाथ पैर मोड़कर भी नहीं बैठना चाहिए। ग्रहण काल में सोना भी वर्जित बताया गया है। ग्रहण अंधकार का सूचक होता है, इसीलिए इस दौरान बाल काटना, नाखून, दाढ़ी मूछ, घर में कलह या गुस्सा जैसे कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण लगने से पहले खाने पीने की सभी चीजों में तुलसी के पत्ते डालकर रखने चाहिए। ग्रहण के दौरान लगातार मंत्रों का जाप करते रहें। ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर घर को अच्छी तरह से शुद्ध कर लें और ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए दान करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।